चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माता के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की व्रत कथा, पूजा विधि और कौन सा मंत्र बोला जाता है और प्रसाद में क्या चढ़ाया जाता है वो आज मैं आपको पूरा विधि विधान के अनुसार बताऊंगी। सबसे पहले आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। तो माता जी का सातवां स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। इनका रंग काला होने के कारण इन्हें हम कालरात्रि कहते हैं। असुरों के राजा रक्त बीज का व्रत करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था और इनकी पूजा शुभ फलदायी होती है, इसलिए इसे शुभकारी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला होता है। इनके बाल बिखरे हुए होते हैं। इनके गले में विद्युत की माला होती है। इनके चार हाथ होते हैं। इन्होंने एक हाथ में कटार और एक हाथ में लोहे का काटा धारण किया हुआ है और दो हाथ जो हैं वह वर मुद्रा में हैं। इनके तीन नेत्र हैं और इनके सांसों से अग्नि निकलती रहती है और इनका वाहन गधा है। इस देवी के तीन नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल होते हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है, गधे की सवारी करती हैं और कथा के अनुसार दैत्य शुभ और निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंता होकर सभी देवताओं ने शिवजी के पास गए और शिवजी से कहा कि हमारी जो ये पीड़ा है वो दूर करें। तब शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के लिए कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा रूप का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही माँ पार्वती ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकले हुए रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर माँ दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और उसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काट दिया। नवरात्रि के सातवें दिन इसकी पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन पूजा करने वाले को अपना चित्र शांत रखना चाहिए। इससे समस्त दुखों का नाश होता है, दुश्मनों का नाश होता है और यह शुभ फलदारी होती है और समस्त मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करती है। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय सबसे पहले नहा धोकर साफ सुंदर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि चंपा के फूलों से, लाल फूलों से बहुत खुश होती है। दूध और खीर का भोग लगाया जाता है। लाल चंदन, केसर, कुमकुम, लाल चीज़ें से और लाल चुंदड़ी से वो बहुत खुश होती हैं। अक्षत चढ़ाए जाते हैं, सुगंधित फूल अगरबत्ती लगाई जाती है। और अगर माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं तो इसके अंदर अग्नि का भय नहीं रहता, जल का भय नहीं रहता, जंतु का भय नहीं रहता, शत्रु का भय नहीं रहता, रात्रि का भय नहीं रहता और दुश्मनों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन पूजन करने से भूत प्रेत आदि बाधाएं दूर होती हैं, मन शांत रहता है। दरिद्रता को दूर करने के लिए और दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का इस दिन भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि की पूजा करते समय जो मंत्र बोला जाता है वो है ओम देवी कालरात्रे नमः। इस तरह पूरा दिन आप ये बिताएं। तो ये आज मैंने आपको माँ कालरात्रि के सातवें दिन की पूजा और विधि और व्रत कथा बताई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह, धन्यवाद।